Hello everyone, I am Saloni. Welcome to Pathfinder Commerce Academy. Today we are going to start our next topic, that is staffing. हम planning और organizing already discuss कर चुके हैं. हम functions of management discuss कर रहे हैं, जिसमें हमारा third function है staffing, right? तो staffing होता क्या है? Staffing refers to selecting or appointing the right person for the right job having the right qualification, right? तो इसका क्या है, कोई भी जो person, एक organization में तीन चीज़ें बहुत important होती हैं, that is men, material and machine, right? तो इन तीनों का organization में एक proper balance होना बहुत ज़रूरी है कोई भी organization को survive करने के लिए और run करने के लिए long term, right? तो जो men है, जो human resource है, वो बहुत ही crucial role play करते हैं organization के अंदर. Employees are working in an organization at different post and position to play their part for accomplishment of organization goal. कोई भी organization को अगर target achieve करना है तो उनको employees को अच्छे से trained करना पड़ेगा, हर time motivate रखना पड़ेगा, उनको वही job देनी चाहिए जिनमें वो specialize हैं, right? तो human resource एक बहुत बड़ा role play करते हैं organization के अंदर. इसीलिए सभी organization जो human resources को as an asset treat करती हैं, right? तो इसमें क्या कहते हैं, इट इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड अप्रोच एंड अलाउ मोर एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इट्स रिसोर्सेज रिक्रूटमेंट सिलेक्शन डेवलपमेंट अप्रेजल एक्सेट्रा. स्टाफिंग क्या है, अपॉइंट करना राइट पर्सन को, जो पर्सन जिस जॉब के लिए सूटेबल है उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उसे अपॉइंट करना. और इस प्रोसीजर को जो अपॉइंट करना है उसमें हम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, उसकी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन डेवलपमेंट अप्रेजल एक्सेट्रा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, राइट. इसकी डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कुंज डॉनल, the managerial function of staffing involves meaning the organizational structure through proper and effective selection, appraisal and development of personnel to fill the roles designed into the structure. Last हमने organizing में पढ़ा था, जो structure होता है organization का उसमें बहुत सारे roles होते हैं play करने के लिए, right? Top level management में, middle level में, lower level में manager होते हैं, उनके subordinates होते हैं, उनके further subordinates होते हैं, foreman होते हैं, right? तो जो पर्सन जिस जॉब के लिए सूटेबल है उसको उस जॉब के लिए अपॉइंट करना, दैट रेफर्स टू स्टाफिंग. एंड इट्स नॉट जस्ट अपॉइंटमेंट, उसको बाद में चेक भी करना, राइट, कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है. नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एक्विजिशन ऑफ एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलपिंग देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज टू द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. ह्यूमन रिसोर्स है जो मैन है ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना उस चीज़ का. जो स्टाफिंग है वो पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. द डेफिनेशन अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आइदर दैट इज इंडस्ट्री, बिजनेस, गवर्नमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर, सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल. ये जो डेफिनेशन है वो हर जगह पे अप्लाई होती है, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट की एजुकेशन है, कोई भी हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज हैं, राइट, हर जगह ये अप्लाई होती है. एचआरएम एंड स्टाफिंग. एचआरएम एंड स्टाफिंग में क्या है, मैनेजिंग पीपल एट वर्क. इसमें बेसिकली क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको मैनेज करना, द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक जो एम्प्लॉई की है पर्सनल ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको टाइम टू टाइम जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आ रहा है उसके रिलेटेड ट्रेनिंग देना, उनकी डेवलपमेंट होना. द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग आर एप्लीकेबल टू स्टाफ मैनेजमेंट. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं ये सब किस पे एप्लीकेबल होते हैं, स्टाफ मैनेजमेंट पे, क्योंकि एट द एंड अगर आप प्लान कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा, ऑर्गेनाइज हो रहा है वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए हो रहा है, राइट. कोई चीज़ को डायरेक्ट कर रहे हो, किसी को समझा रहे हो, किसको समझा रहे हो, ह्यूमन रिसोर्सेज को, कोऑर्डिनेट करके रख रहे हो एम्प्लॉयज के बीच में, वो भी कौन है, ह्यूमन रिसोर्स है, राइट. द अटेंडिंग टू स्टाफिंग फंक्शन सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एक्सेट्रा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एच आर एम, राइट. अचीविंग कम्पिटिटिव एडवांटेज टू स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ कमिटेड एंड कैपेबल वर्क फोर्स. नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिक्रूटमेंट स्किल्ड डायनेमिक एंड एक्सपीरियंस पर्सोनल. जो हम अपॉइंटमेंट करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, उनकी स्किल के बेसिस पे, उनकी पर्सनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि जिस पोस्ट पे हमें एम्प्लॉई को अपॉइंट करना है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे किया जाएगा. इसकी डेफिनेशन ही बोलती है अपॉइंटिंग द राइट मैन फॉर द राइट प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, राइट.
नेक्स्ट इज एनहेंसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस भी एनहेंस होना टाइम टू टाइम ज़रूरी है, क्योंकि उनको मोटिवेट नहीं रखा जाएगा तो वो इतना अपना एफर्ट्स नहीं डालेंगे काम करने के। दे शुड फील पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो हर टाइम मोटिवेट रहें और अपना काम अच्छे से करें, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए उस चीज़ की। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज आएगा, क्योंकि आपको पता है स्टाफिंग में ये पर्सन की अपॉइंटमेंट इस प्लेस पे ज़रूरी है, राइट? तो आप उसी अकॉर्डिंग अपॉइंट करोगे, और पर्सन वही अपॉइंट किया जाएगा जो उस जॉब के लिए बेस्ट सूटेबल है, उसको वो क्वालिफिकेशन है, उसका वो पर्सनल एक्सपीरियंस है उस चीज़ में। सर्वाइवल एंड ग्रोथ, अब एम्प्लॉयज़ हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगे, इससे ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ है, क्योंकि आप जो स्टाफ अपॉइंट कर रहे हो वो एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना समझ रहा है कि वो पार्ट एंड पार्सल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है, और वो प्रॉपर ट्रेंड हो रहा है, उसकी स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं, उसकी भी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। तो इट विल बी सर्वाइवल एंड ग्रोथ बोथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन कम्पीटिंग इन मार्केट। जब आपके पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी है, तो एम्प्लॉयज जल्दी से मतलब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएंगे, राइट? लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करेंगे, इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी अच्छी होगी, राइट? और आप लॉन्ग टर्म मार्केट में भी सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि अगर हर कुछ दिनों में या कुछ टाइम में अगर आपको स्टाफ चेंज करना पड़ रहा है, उनको पहले रिक्रूटमेंट के एक्सपेंस, देन उनका सिलेक्शन के एक्सपेंसेस, फिर उनको ट्रेनिंग देना, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में सेट होते हैं, इतने क्या बोलते हैं उनका, फिर वहाँ से निकल जाते हैं, तो वो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट? इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें क्या है, जब मोरल है वो भी इंक्रीज होगा एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उनको लग रहा है कि कंपनी हमें ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझती है, राइट? उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है। टू अपडेट विद द चेंज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उनके साथ भी वो अपडेट रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजर उनको ट्रेंड करेगा उस चीज के लिए, राइट? नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, राइट? इसको हम वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट। इसमें क्या है, एन एफर्ट इज मेड टू असेस मैन पावर नीड इन एडवांस टू कीपिंग इन व्यू द प्रोडक्शन स्केड्यूल, डिमांड फोरकास्ट एंड मार्केट स्केड्यूल। पहले से ही एस्टिमेट कर लेना कि अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने सोचा कि हम इस प्रोडक्ट में कुछ ऐड ऑन करते हैं, हमें कुछ चेंजेस लाने हैं, और उसके लिए ऑब्वियसली कुछ मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, तो पहले ही उस चीज़ के बारे में सोचना और देखना कि हमारी कंपनी की ये रिक्वायरमेंट है, इतने एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए, उनकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतना उनका पर्सनल एक्सपीरियंस चाहिए, राइट? तो ये सब चीज़ के बारे में एस्टिमेट लगाना, दैट रेफर्स टू एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट। Manpower planning is a part of the overall corporate plan and reflects the broad thinking of the management. ओवरऑल जो प्लान है वो बताता है, क्योंकि वो प्लान तभी एग्जीक्यूट होगा ना जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज होगा प्रॉपर। तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितने रिसोर्स की ज़रूरत है ह्यूमन की, एम्प्लॉयज़ की, उस अकॉर्डिंग हम उनको अपॉइंट करेंगे। जब हमने देख लिया फिर हम उनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर देखेंगे। रिक्रूटमेंट हमारी दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, राइट? रिक्रूटमेंट क्या होता है, मोटिवेटिंग और इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कंपनी ने बोला कि हमें 50 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उन्होंने एडवर्टीजमेंट या किसी भी सोर्सेज के थ्रू लोगों तक कन्वे किया कि चाहिए। जब लोग उस एप्लीकेशन को पढ़कर अप्लाई करते हैं कंपनी में जॉब के लिए, दैट रेफर्स टू रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट दो टाइप की होती है हमारी, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है वो होती है रिक्रूटमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होती है वो हमारी होती है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लोरिंग एंड आइडेंटिफाइंग वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब कंपनी ने सोच लिया कि मुझे रिक्रूट करने हैं एम्प्लॉयज, कैसे करने हैं, उसके बाद वो देखा जाएगा कि रिसोर्स कैसे एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन करना है या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन करना है। फिर चेक किया जाएगा कि एवेल्युएटिंग द वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड वर्दीनेस ऑफ द सोर्सेज। फिर नेक्स्ट इज चूजिंग द मोस्ट सूटेबल सोर्स और सोर्सेज फॉर सेलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। जब हमने देख लिया कि हमें इंटरनल या एक्सटर्नल चूज कर लिया, फिर देख लिया इसमें हमारी कितनी उसमें बेनिफिट है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट कर लिया, उसमें से मोस्ट जो सूटेबल सोर्स है वो सिलेक्शन के लिए चूज किया जाएगा। उसके बाद क्या है, इन्वाइटिंग एंड एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस फॉर इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द वेकेंट पोस्ट।
जो वेकेंट पोस्ट हैं, जो कंपनी में खाली पोस्ट हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन हैं वो चेक की जाएंगी, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो एप्लीकेशन भेजेंगे वो चेक की जाएंगी। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। जब हमारे पास एप्लीकेशन आ गई तो उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि इनमें से कौन सा मैन या सॉरी एम्प्लॉय राइट मैन है फॉर द राइट जॉब। सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू फिल अप द वेकेंट पोस्ट। सॉरी, इसमें क्या है, हमें सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास एम्प्लॉयज की हमें एम्प्लॉयज़ की कितनी ज़रूरत है। जब हमने देख लिया कि हमें 50 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या था, रिक्रूटमेंट। उसमें हमने देखा कि हमें 50 एम्प्लॉयज़ चाहिए, हमें इंटरनल रिक्रूटमेंट करना है या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना है, राइट। वो चेक करने के बाद जब हमने एप्लीकेशंस को इनवाइट करने के लिए बोला, देन जो हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं उनमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा पर्सन अपॉइंट करना है। तो उसमें सिलेक्शन में हम क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे, उनका स्क्रीनिंग होगी, टेस्ट होगा, उनका इंटरव्यू होगा, बहुत सारे प्रोसीजर हैं। जब उसको अडॉप्ट करके हम फर्दर सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय फॉर द वेकेंट पोस्ट, राइट। उसके बाद क्या है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट इज रिगार्डेड एज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग डिफरेंट पोस्ट एंड पोजिशन टू द सेलेक्टेड एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हमने अब सेलेक्ट कर लिया कि ये एम्प्लॉय अपॉइंट किया जाता है, राइट, बट किस प्लेस के लिए, किस वेकेंट पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाएगा, दैट रेफर्स टू प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन नेक्स्ट स्टेप है हमारा। ओरिएंटेशन में क्या होता है, इंट्रोड्यूस करना जो न्यू एम्प्लॉई है उसको एग्जिस्टिंग स्टाफ मेंबर से, जो पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाना। इसका रीज़न इंट्रोड्यूस करवाने का ये होता है ताकि जो न्यू एम्प्लॉई है उसको जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो पता लग जाए, राइट। उसमें जो मतलब नए रूल्स हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पॉलिसीज हैं, उससे उसको जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उसको वो नॉलेज हो जाए, राइट। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। इसमें हमारा सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है, फिर एम्प्लॉई को ट्रेंड करना उस चीज़ के लिए, जो उसकी जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग उसे ट्रेंड करना। ट्रेनिंग इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ऑन प्रेजेंट जॉब एंड प्रिपेयर देम फॉर टेकिंग अप न्यू असाइनमेंट्स इन फ्यूचर। जो प्रेजेंट जॉब पे वो काम कर रहा है उसमें वो इम्प्रूवमेंट लेकर आ सके और फ्यूचर में नई असाइनमेंट्स ले सके। द टर्म डेवलपमेंट इज अ रेफर टू अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग विच इंक्रीज द ग्रोथ रेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग में क्या है, उसको एक ट्रेंड करना उस चीज़ के लिए ताकि वो फ्यूचर में नई असाइनमेंट्स ले सके। डेवलपमेंट क्या है, दैट रेफर्स टू पर्सनल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑफ द एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस क्या है, इज अ सिस्टम फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब कोई भी एम्प्लॉय को टास्क दिया है, उसको कंप्लीट करना है उसने, राइट, उसकी परफॉर्मेंस भी चेक होगी भी एंड मंथ एंड में है या वीक एंड में, कि वो एम्प्लॉय सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उसको कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको उस चीज़ के बारे में ट्रेन किया जाएगा, राइट, और उसको फर्दर असाइनमेंट्स दी जाएंगी। इफ़ द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोवाइड अनफेवरेबल रिजल्ट, ही और शी टू इज टू प्रोवाइड मोर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस और मे बी शिफ्टेड टू एनी अदर डिपार्टमेंट। जो एम्प्लॉई है अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसका क्या रीज़न है, या तो उसको ट्रेन किया जाएगा उस चीज़ के बारे में अगेन, कि ताकि वो उस चीज़ की परफॉर्मेंस अपनी अच्छी कर सके, नहीं तो उसको कोई और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा जिसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट हो, राइट। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। द प्रोसेस इन विच एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड बेटर पोस्ट और जॉब पोजिशंस, पे स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्टर इन अ बिजनेस फर्म इज नोन एज प्रमोशन। ओके, नेक्स्ट इज कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या है, वेज और सैलरी स्ट्रक्चर जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज को दिया जाता है, इट शुड बी फेयर, मतलब हमेशा फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पे किया जा रहा है तो उससे एम्प्लॉयर को लॉस है, और बहुत कम पे किया जा रहा है, जितना एम्प्लॉय काम कर रहा है उससे कम, तो एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहना चाहेगा, राइट। तो जो कंपनसेशन है वो बिल्कुल एडिक्वेट होना चाहिए, इट शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज सेपरेशन। द एम्प्लॉयज मे बी लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर वन और रीजन और दी अदर। दिस टर्न ओवर मे बी ड्यू टू रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, रिटेंचमेंट, डेथ एसेट्रा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जो एम्प्लॉयज जो काम करते हैं बहुत रिजाइन भी करते हैं, किसी की रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है, राइट, किसी की और
अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से उन्हें जॉब को छोड़ना पड़ता है, तो इस चीज से को भी कवर अप करने के लिए एक टर्नओवर हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए, हाई टर्नओवर भी नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, 100 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और अगर हमने 140 एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए हुए हैं या 130 किए हुए हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। पे स्केल्स पे सबको करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, राइट, फर्दर एक्सटेंशन के लिए। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी हमेशा उनका जो रेट है वो जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही होना चाहिए। एफर्ट शुड बी मेड टू कीप सेपरेशन रेट एट रीजनेबल रेफर, एफर्ट्स करते रहना चाहिए। अब जिनकी अनअवॉइडेबल रीजन्स हैं, जैसे डेथ है या रिटायरमेंट है, उन रीजन्स को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट जो रीजन्स हैं जो एम्प्लॉयज़ छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा पैकेज मिल रहा है, अच्छे अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो वो रीजन्स को हम अवॉइड कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में ही रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।